हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता विश्वरूप चैनल पर। आज हमने ट्रेडिशनल चिले को एक ट्रेंडी लुक व ट्रेंडी स्टफिंग के साथ प्रेजेंट किया है। इसको फिनिश होने में देर नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, आज हम जो चिला बना रहे हैं ये एक लो कैलोरी चिला है और यदि आप डाइट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चिल्ला बनाने के लिए हमें लेना है एक बाउल बेसन। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, सूखी लाल मिर्च को थोड़ा सा दरदरा हम घर पर पीस लें तो घर पर ही चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक। अब हम चिले के बैटर में मिक्स करेंगे थोड़ी सी शुगर और नींबू का रस। नींबू का रस और शुगर हमें इसलिए मिक्स करना है क्योंकि हम जो स्टफिंग बनाएंगे, यूनिक स्टफिंग बनेगा, उसके साथ ये चिल्ला हमारा बहुत ही अच्छा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा। आप बनाकर देखिए। नींबू का रस मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सा हरा धनिया मिक्स करती हूँ, बारीक कटा हुआ। और फिर अब हम पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करते हैं। यह हमारा बैटर रेडी हो गया है। पैनकेक टाइप बैटर हमने बनाया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं जिससे कि सारे फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर और एक मीडियम साइज की कैप्सिकम। अब हम इनको एक यूनिक स्टाइल का स्टफिंग बना रहे हैं तो इनको हम टमाटर और कैप्सिकम को ग्रिल रैक पर रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से होगा ये कि इनका फ्लेवर और अधिक बढ़ेगा। इस तरह से इसे हमें सब दूर से अच्छी तरह से रोस्ट करना है। इस तरह से मैंने कैप्सिकम और टमाटर को रोस्ट कर लिया है और अब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं कि हम इसकी इस तरह से स्किन निकाल लेंगे। टमाटर की स्किन तो बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है और इसको भी हम इस तरह से थोड़ा सा चाकू से स्क्रैप कर लेंगे और निकाल देंगे। जितने आसानी से ब्लैक स्किन रिमूव हो सकती है हम निकाल लेंगे। और जो इसका जो बर्निंग इफेक्ट है वही तो हमारे एक यूनिक स्टाइल के स्टफिंग को बढ़िया सा फ्लेवर देगा। अब ये टमाटर और कैप्सिकम को मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम ये कट की हुई कैप्सिकम और टमाटर को पैन में ले लेते हैं। टमाटर और कैप्सिकम को हमें थोड़ा सा कुक करना है और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और साथ में डालेंगे थोड़ा सॉल्ट स्वादानुसार। और हम मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा ऑरेगानो। ऑरेगानो की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, मिक्स कर देते हैं। और अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ केचप। 2 चम्मच केचप लिया है। ये मैंने 1/4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर घोल लेते हैं जो हमारे स्टफिंग को बाइंडिंग देगा। ये जो स्टफिंग में थोड़ा पानी छूट रहा है इसके लिए हम ये कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देते हैं। 2 मिनट के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद कुक कर लिया है और ये लंपी टेक्सचर आ गया है स्टफिंग का। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और फिर गैस बंद करके हम इसको ठंडा करेंगे। अब हम चिल्ला बनाते हैं। ये हमारा बैटर एक बहुत ज्यादा पतला नहीं है, मीडियम थिक बैटर है और नॉन स्टिक तवे पर हम चिल्ला बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा है गैस और अब हम इस पर थोड़ा सा तेल छोड़ते हैं। 1/2 मिनट हो गया है, इसके बाद हमें इस तरह से थोड़ा सा तेल छोड़ना है। 1/2 मिनट और हो गया है और अब हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी हम इसको कुक कर लेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने दूसरी साइड से भी कुक कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी तरह से हम बाकी के चिले भी तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चिल्ला भी रेडी है और स्टफिंग भी रेडी है। अब हम चिल्ला स्टफ करते हैं। चिले के ऊपर अब हम ये हमारा स्मोकी फ्लेवर वाला स्टफिंग रखेंगे। अब स्टफिंग के ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया और
चीज क्यूब ग्रेट करेंगे। आप पनीर भी डाल सकते हैं इस पर। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। और अब हम इसे इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हम सारे चिले स्टफ करके और इसको कट करके मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको बता। तो फ्रेंड्स, रेडी है ये हमारा स्टफ बेसन चिल्ला। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल संगीता विश्वरूप को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।